दवा हम लोगों के चलते कितने दिन हुआ? अब ये तीसरा महीना शायद खत्म होगा। अच्छा, पहले कंडीशन कैसी थी? पहले मतलब जैसे नींद वगैरह नहीं आती थी बस, और पेट साफ नहीं होता था, गैस बनती थी, भूख नहीं लगती थी, ये सब ज्यादा प्रॉब्लम थी। अच्छा, और कमजोरी जैसे फील होती थी खूब ज्यादा। हाँ, उससे मतलब ये दवाई से, आपकी दवाई से मतलब आराम है सब। हाँ बस वो अभी जो क्रेक हुआ ना पैरों का, तो जैसे पहले चलते थे पकड़ के चलाते थे, तो अभी क्रेक होने की वजह से पैरों में ताकत मतलब नहीं आ पा रही, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। अच्छा, शुरुआत में जैसे इनको कैसे कैसे डायग्नोस हुआ, थोड़ा सा हल्का सा बताओगे कि जैसे शुरू में इनको क्या हुआ तो कैसे क्या हुआ? हाँ, आप ही बता दो शुरू में कैसे हुआ, क्या चीज जैसे एक बार थोड़ा इनकी हिस्ट्री हल्की सी बताइए कि जैसे शुरू शुरू में कैसे क्या हुआ। सर, शुरू में एक उंगली जो राइट है ना उससे स्टार्ट हुआ था, उससे स्टार्ट होते होते पूरा शरीर में फिर आने लगा, हाथ में, फिर गले में, शरीर में, हाथ की मसल्स लूज हो गए, बॉडी का मसल्स लूज हो गया, पैर में नहीं, पैर में एकदम लास्ट में आया है। अच्छा, पैर में लास्ट में आया है। हाँ, ऊपर से स्टार्ट हुआ है, मतलब मिडिल एज से इनका स्टार्ट हुआ है पापा का। और जैसे छोड़ देते हैं ना तो गिर जाते थे अभी, तो अभी पैर जब से टूटा ना तब से तो दिक्कत हो गया है, वैसे तो हाथ पकड़ के चलाते थे ना तो चल लेते थे। दवा से मेरी मतलब सुधार हो गया था काफी, है ना? हाँ। अच्छा, जब से ये थोड़ा गिर गए तब से थोड़ी दिक्कत आई है ना? हाँ, तब से दिक्कत हो गई। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब इनको जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज की डायग्नोसिस कहाँ हुई, कहाँ दिखाई तुम? मतलब बेलूर में दिखाए थे सर। अच्छा, बेलूर में दिखाई, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इनको MND है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है ना? नहीं, मोटर न्यूरॉन डिजीज तो भिलाई में बता दिए थे, भिलाई में दिखाए थे और नागपुर में दिखाए थे, तो भिलाई वाला ही बता दिया कि MND है इनको, फिर बेलूर लेके गए थे, फिर बेलूर में भी बताया MND है इनको। तो लोग क्या बताए कि मतलब क्या डॉक्टरों ने बताया कि बेलूर में, बेलूर जब ले गए थे ना सर तब तो उनका बस हाथ में स्टार्ट हुआ था, कुछ ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ था, बस चलने फिरने में थोड़ा सा फर्क आया था और हाथ में स्टार्ट हो गया था, बाकी सही थे। तो फिर वहाँ पे ही डिक्लेयर कर दिए उन लोगों की MND बीमारी हो गया इनको, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। और बोले अंग्रेजी में तो दवाई है नहीं इसका, तो अभी कोई इलाज नहीं, आप होम्योपैथी में ही दिखाइए। चलिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप होम्योपैथी में दिखाइए। हाँ, उन लोग बता दीजिए, डॉक्टर हैं वो तो कम से कम, बाकी लोग तो मतलब सजेस्ट भी नहीं करते हैं कि भाई ले जाओ, इसका कहीं इलाज ही नहीं, क्योंकि हम लोग पास बहुत पेशेंट है इस तरह से, तो लोग कहते हैं कि लवली लोग तो कोई इलाज ही नहीं, डरवा देते हैं, परेशान कर देते हैं। आप ये बताइए जैसे मतलब हमारी दवा लगभग 3 महीने होने जा रही है। हाँ सर, आपकी जो दवाई स्टार्ट की है ना तब से मतलब पापा को ये जो पेट की समस्या है वो दूर हो गई है। जी जी, जी। और उल्टी लगता था उनको तो वो दूर हो गया, उल्टी नहीं लगता है उनको। तो ये सब समस्या दूर हो गई है उनकी अब। चलिए चलिए, मेन तो सर यही है, पेट का ही है। हाँ, पेट का मेन इशू था। हाँ, वो चीज सही हो गया है। अब देखिए, चूंकि अब जो भाई मतलब एक्सट्रीमिटीज में जो दिक्कत आई है, जो हाथ पैर चलने फिरने में जो दिक्कतें या मस्कुलर एट्रॉफी वगैरह जो हो रही है, तो ये चीजें तो भाई अब 4 दिन में देखिए सही होने होगी, इसमें धीरे धीरे हम उसको भी सही करेंगे। और देखिएगा जैसे और मरीजों के साथ ऐसा अच्छा हो रहा है, निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे आपको, हमें पूरा भरोसा है। सर, मैं ये बोल रही थी कि हम लोग अभी आ भी सकते हैं, मतलब 10 जुलाई तक हम लोग लखनऊ आएंगे आपके पास। अरे बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, तो बहुत अच्छा है। अगर देख लेंगे तब तो एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? हाँ सर, हम लोग वही प्लान बना रहे हैं, थोड़ा पैसे ऐसे को जुगाड़ करके हम लोग आएंगे, अभी 10 तारीख तक सोच रहे हैं आने का। तो आपसे सर वहाँ रुकने उकने का कुछ व्यवस्था बन जाएगा, आश्रम वगैरह या फिर होटल लेना पड़ेगा? होटल तो हमारे पीछे भी है और होटल तो मिल जाएगा, हमारे यहाँ तो रुकने का नहीं सिस्टम है, है ना? नहीं, जैसे आश्रम वगैरह या फिर कुछ अच्छा सस्ता में कुछ जुगाड़ हो जाता। आश्रम तो यहाँ अगल बगल नहीं है, होटल मतलब एवरेज होटल मिल जाएंगे आपके, मतलब वहाँ पे अगल बगल में अच्छे होटल है, जैसे पापा को मतलब सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे ना वो। हाँ,
नहीं होटल तो दिलवा देंगे, हमारे क्लिनिक के जस्ट पीछे ही पार्किंग में ही। ठीक है ना सर, तो फिर आप ही से बोल देंगे फिर होटल का। बोल देंगे, होटल आपको बुक करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर योगा वगैरह भी करवाएं क्या पापा को कुछ? हाँ योगा करवाइए, योगा कराइए। अभी फिजियोथेरेपी तो करवा रही है सर। हाँ कराइए, योगा होगा तो बहुत बढ़िया है, फिजियोथेरेपी से भी थोड़ा हेल्प मिलेगा और बाकी जो दवा आपको चलाई जाएगी उससे देखिएगा। हाँ। थोड़ा सा और समय बीतने दीजिए, एज भी हाँ। ज्यादा नहीं है और बिल्कुल हाँ। सही हो जाएगा। अभी आप लोग कहाँ पे हैं? अंबिकापुर में सर। अच्छा अंबिकापुर। हाँ। जी जी ठीक।